ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम करण है। आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को पिक्सआर्ट ऐप में अपनी फोटो को ओपन करना है। देन आपको टूल्स में जाना है, आपको स्ट्रेच वाले ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद आप सभी सबसे पहले जो वॉप है उसको आपको क्लिक करके आपके ओपेसिटी साइज बढ़ा देना है। देन आप सभी को जो इस तरीके से आपको पेंट करना है दोनों साइड में इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि आपको जो इसको एक पूरी एक लाइन में क्रिएट कर देना है इन सभी को, ठीक है। जैसा गाइस मैं कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरीके से करना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको फटाफट से करता हूँ एंड उसके बाद बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप सबको समझ आएगा कि आपको कैसे एडिट करना है वाला फोटो। तो आप जब इतना काम कर लोगे तो गाइस आपको सिंपली अपनी फोटो को यहाँ पे डन करना है। एंड जैसे आप डन करोगे उसके बाद गाइस आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब उसके बाद आप सभी को चले जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, जैसे आप इफेक्ट में जाओगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि होगा आर्टिस्टिक। अब जैसे इसमें जाओगे आप सभी को एक ऑप्शन यहाँ पे, जैसे गाइस ये सारे ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाएगा तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो कि होगा टीनी प्लांट। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा सर्कल सा बन जाएगा। देन आप सभी को करना, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इसको सर्कल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली ड्रॉ टूल में जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आपको इरेजर सेलेक्ट करना है। देन शेप वाले ऑप्शन में जाने के बाद सर्कल वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद आपको अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको सिंपली एक सर्कल यहाँ पे बनाना है ऐसे, ठीक है। जैसे मतलब ये सर्कल जैसे आप बनाओगे मतलब कि वहाँ से जो पार्ट इरेज होने लग जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो सर्कल वाला एरिया जो है इरेज हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जितना आपको एरिया चाहिए आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे मतलब कितना कर लोगे तो उसके बाद आप सभी को जो साइड में जितना भी पीछे के इसके सर्कल के बाहर का जितना भी एरिया आपको सबको जो है रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आप सभी को साइज को यहाँ पे इरेजर के साइज को इंक्रीज कर लेना है एंड फोटो को जूम करके जो आपको इस तरीके से इरेज करना है। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। सो गाइस, हमने जो इरेज वगैरह कर लिया तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपली डन करके यहाँ से जो इसको सेव कर लेंगे गैलरी में। एंड उसके बाद आप सबको फिर करना है क्या गाइस, यहाँ पे जो आप सभी को एक ब्लू कलर का ये बैकग्राउंड को आपको यहाँ पे पहले ओपन करना है। इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन आपको उसको साइज वगैरह सेलेक्ट कर लेना। देन जाना आपको ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद पहले आप सभी को शेडो का पीएनजी लेना, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली जाना ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड जैसे आप यहाँ पे मॉडल को ऐड करोगे गाइस आपको यहाँ पे कुछ इतना साइज रखना अपना मॉडल का, ठीक है, इस तरीके से। एंड इतना हो जाने के बाद आप सबको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड यहाँ से ऐड करना जो भी हमने सर्कल का पीएनजी बना के जो हमने सेव किया था उसको सिंपली आपको ऐड करना है। एंड जैसे आप इसको ऐड करोगे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपली इसको इतना जूम करना जितना आप अपने मॉडल के हिसाब से आपको जूम करना है, ठीक है। यहाँ पे ओपेसिटी कम करके आप चेक कर लेना। एंड उसके बाद आप सभी को जो यहाँ पे अपने मतलब कि आपके जो मॉडल है उसके पैरों के हिसाब से एंड जो हेयर्स हैं उनके हिसाब से आप सभी को हाइट रखनी है इसकी। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ओपोसिटी सिंपली फुल कर लेना है, इसे मूव डाउन कर देना है। एंड रेजर टूल में जाने के बाद आपको सिंपली इसको इन्वर्ट करना है। एंड उसके बाद आप सभी सॉरी इन्वर्ट नहीं करना, आपको रेजर का हार्डनेस फुल करके एंड जो आगे का एरिया होगा जितना भी सबको रिमूव कर देना है। सो गाइस, इतना हमने यहाँ पे कर लिया है। अब गाइस देखिए यहाँ पे आप सभी को करना है क्या, गाइस यहाँ पे आप सभी को जो आपका मॉडल है आपको सिंपली अपने मॉडल के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको एक शैडो का ऑप्शन मिलेगा आपके यहाँ पे पिक्सआर्ट में। देन आप सभी को पोजीशन में जाकर आपको जो इसकी पोजीशन यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेना अच्छे से, ठीक है। मतलब एकदम अच्छा लगना चाहिए रियलिस्टिक सा। तो आप जैसे इसको ऐड कर लोगे उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर जो एडजस्ट का ऑप्शन दिख रहा है गाइस पोजीशन के ऊपर, आपको सिंपली इसका ब्लर को कम कर देना है एंड ओपोसिटी को अपने हिसाब से रख लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली डन करना है। एंड जितना काम हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो को जो यहाँ पे सिंपली सेव कर लेना ताकि जो है इसमें लाइट रूम ऐप में इसको रिटच करके एकदम सेक्सी फोटो बना दे। तो इसके लिए चलते हैं लाइट रूम ऐप में। उसके बाद आप सबको लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट आपको इंक्रीज करना है एंड जो हाईलाइट है इसको कम कर देना है, जो शेडो है इसको इंक्रीज कर देना है, ब्लैक्स को भी इंक्रीज कर देना है, व्हाइट को कम कर देना है। फिर चले जाना कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, टेम्परेचर को थोड़ा कम करना है। जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके ल्यूमिनस बढ़ाना है, सैचुरेशन को कम करना है। डार्क ब्लू में जाकर आपको जो इसका स्काई ब्लू कलर कर देना है एंड उसके बाद कर देना आपको डन। एंड इतना जाने के बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर आपको अपनी फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है। फोटो में विग्नेट डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। मिड टोन को जो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे प्लस कर देना है। एंड उसके बाद जो फीदर है इसको पूरा इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको नीचे वाले टूल में जाना, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है एंड नोटेशन बढ़ा देना है। एंड फाइनली हमारी फोटो जो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।